iPhone 11 आप लोगों को सिर्फ 20,000 रुपये मिलेगा, तो आप क्या लोगे कि नहीं? हाँ गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है। तो क्या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज या अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये फोन आपको 20,000 में मिलेगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में, सच है कि झूठ है। पूरा वीडियो देखिए, जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस देखिए, यहाँ पर ना आईफोन 11 हो गया, तो बहुत ही पुराना स्मार्टफोन हो गया ये, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। तो अब इसको देखा जाए तो कितना साल हो गया है, तो यहाँ पर 4 साल होने वाला है, तो डेफिनेटली बहुत टाइम हो गया इस फोन को लॉन्च हुए। तो बहुत से लोग सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना, वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी हम रियलिटी की बात करते हैं, क्या ये फोन आपको सही में 20,000 में मिलने वाला है? तो देखिए, ये सच नहीं है। हाँ, क्योंकि ये फ़ोन आपको अराउंड 24-25,000 रुपये मिलने वाला है। हाँ, 24-25,000 से नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप लोग एक्सचेंज करते हो अपना पुराना मोबाइल, तो उसकी वैल्यू अगर आप लोग ले लोगे तो बिल्कुल आपको 20,000 रुपये के नीचे मिल जाएगा, मतलब 19,999। तो वो आपके पुराने मोबाइल के वैल्यू पर डिपेंड करता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस फोन का प्राइस 24-25,000 के नीचे नहीं जाने वाला है बिग बिलियन डेज में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वो जो कह रहे हैं 20,000 रुपये मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आईफोन 11 इतना भी नहीं हुआ है कि वो आपको 20,000 रुपये में दे बिना एक्सचेंज किए और बिना कार्ड ऑफर में, ऐसा नहीं है। मैं 24-25,000 आपको जब बता रहा हूँ, अगर आपके पास कार्ड होगा, जो कार्ड के ऑफर चलेंगे बिग बिलियन डेज या अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, जब ही आप इसको 24-25,000 में ग्रैब कर पाओगे। तो डेफिनेटली कि 24-25,000 रुपये में मेरे हिसाब से तो आईफोन 11 नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आईफोन 12 जो है, जैसे कि आपको बताया, उस पर भी सेल आएगी, तो वो अगर आप लोग लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज वो 5G है, तो आपका लॉन्ग टर्म भी अच्छा चल जाएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा जोड़ोगे, 6-7,000 रुपये और, मतलब 30,000 में आपको फर्स्ट मतलब मिल सकता है वो आपको स्मार्टफोन, और 32,000 में फिर आगे सेल। जैसे आप लोग पता है, सेल चालू होती है तो फोन का प्राइस कम होता है, फिर जब डिमांड बढ़ने लग जाती है तो फोन का प्राइस ऊपर होता जाता है। तो वही मैं कहूँगा कि आईफोन 12 बेटर रहेगा, बट अगर आपको जब भी आईफोन 11 ही लेना है, तो देखिए फ़ोन दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है, डिस्प्ले भी 6.1 इंच का LCD पैनल है, तो ये याद रखिएगा। आईफोन 12 में आपको वहाँ पर LCD पैनल नहीं मिलता है, OLED पैनल मिलता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी, और नॉच भी थोड़ी छोटी मिलती है, यहाँ नॉच बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बात याद रखनी, यहाँ पर आपको A13 वाला चिपसेट मिलता है, वहाँ A14 वाला चिपसेट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा है। देन कैमराज भी वहाँ बेटर मिलते हैं, तो वैसे भी तो है ही कि आईफोन 12 बेटर ही होगा, बैटरी भी बेटर होगी उसकी। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा, रिकमेंडेशन तो मेरी यही रहेगी कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करके आप आईफोन 12 लो। आईफोन 11 2023 में मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है बाय करना, बिकॉज ये डिसकंटिन्यूड भी हो चुका है, और आप लोगों को शायद यहाँ पर इसका अपडेट iOS का 17 का लास्ट होगा, उसके बाद आपको ये अपडेट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोग आईफोन 12 ले लो, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डालकर, बट आईफोन 11 की तरफ ना जाओ तो बेटर रहने वाला है। बट अगर आप लोगों को ये 20,000 रुपये मिल रहा है तो फिर ले सकते हो आप, फिर तो कोई बात नहीं है। बट कमेंट करके बताओ लोगे कि नहीं लोगे। मेरी राय तो यही है कि आपको ये परचेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखिए हम इतना पैसा पे कर ही रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके हम अपने लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा करके आईफोन 12 जैसा स्मार्टफोन ले। और उसके ऊपर भी हमारे वीडियोज़ आएंगे चैनल पर, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लो, मैंने बना भी दिया है। आने वाले समय में आईफोन 12, 13, 14 पर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो आगे बहुत सारे चैनल, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आईफोन से रिलेटेड, बिग बिलियन डे से रिलेटेड, या अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से। हम बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आएंगे, बिकॉज मुझे पता है कि हर बहुत सारे लोग इस सेल्स में फ़ोन लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनको सबसे बेस्ट से बेस्ट डील मिले। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहो और बेल आइकन को जरूर से दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लो, 10K हम बहुत जल्द करने वाले हैं आप लोग के सपोर्ट से। तो अपना प्यार देते रहो, हम डेली वीडियोस आजकल आप लोग देख रहे हो कि चैनल पर डेली वीडियोस आ ही रहा है, एक या तो दो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्यार देते रहो, हम भी मेहनत करते रहेंगे। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो, और आईफोन 11 के बारे में यही कहूँगा, मत बाय करना, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। इसमें रखता हूँ, एंटिल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।